व्यूअर्स, आज हम आपको वेब 3 के बारे में बताने जा रहे हैं। तो व्हाट इज द वेब 3 एग्जैक्टली एंड इट एसेंशियल ट्रेंड्स, उसके क्या ट्रेंड चल रहे हैं और क्या है ये वेब 3, चलिए समझते हैं। द ऑल न्यू थर्ड जनरेशन वेब इज व्हाट जॉन मार्कोफ कॉल्स द वेब 3.0। The Web 3 is basically a generation 3 of internet-based service. This works toward gearing up the intelligence and therefore is often called the intelligence web. सबसे पहले वेब 1 आया जिसमें केवल लोग इंटरैक्ट कर सकते थे इंटरनेट से, कुछ कर नहीं सकते थे। फिर वेब 3 आया, ये आगे हम आपको बताने वाले हैं। और वेब 3 जो है वो इंटेलिजेंट वेब के नाम से जाना गया। इसको किसने कॉइन किया? द टर्म वेब 3 वॉज कॉइन बाई गैविन वुड, वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ द इथेरियम क्रिप्टो करेंसी। गैविन वुड ने इसको नाम दिया, जो इथेरियम क्रिप्टो करेंसी के को फाउंडर हैं। वेब 3 इज एन आइडिया फॉर न्यू इंटरेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विच इनकॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट including decentralization and token-based economics. ये token-based economic और blockchain की technology पे base है, जिसमें world wide web को हम integrate करते हैं, पे navigate करते हैं। और इसको सबसे पहले web 1 आया, जो formalization of standards such as HTML, XML, static set of web page था। तो सबसे पहले इसमें क्या था हमारा, केवल HTML, XML और स्टैटिक सेट ऑफ वेब पेज था। फिर उसके बाद इंटरैक्शन वाले वेब पेज आए, सोशल नेटवर्किंग, बुकमार्किंग, मीडिया शेयरिंग, ये सब आया वेब 2 में। एमर्जेंस ऑफ सोशल मीडिया वेबसाइट लाइक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, ये सारे आ गए। इसमें अब हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे, इंटरैक्शन कर सकते थे। फिर वेब 3 आया, मेकिंग द वेब रीडेबल बाय मशीन, ब्रिंग न्यू मीनिंग एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम कनेक्टेड डेटा। अब वेब 3 जब आया तो हम डायरेक्ट अपने विदाउट किसी के इंटरवेंशन के पेमेंट डायरेक्टली क्रिप्टो कॉइन के थ्रू कर सकते हैं और जो डेटा के इंफॉर्मेशन को वो कनेक्ट कर लेता है डायरेक्टली। वेब 3 फ्रॉम डेटाबेस टू डेटाबेस, इसीलिए यह कहलाता है कि वेब 3 जो है वो डेटाबेस से डेटा बैंक तक जाता है। तो वेब 1 में ग्लोबल लाइब्रेरी थी, इंफॉर्मेशन गैदर्ड इन अ सिंगल डेटाबेस, लाइब्रेरीज वर डिस्टरप्टेड। तो केवल सिंगल डेटाबेस पे काम करता था वर्ल्ड वाइड वेब पे। सेकंड में ग्लोबल पब्लिशिंग आ गई, इंडिविजुअल कैन क्रिएट इंफॉर्मेशन इन ग्लोबल डेटाबेस, कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल कैन मोनेटाइज डेटा। और इस पर यहाँ पर मोनेटाइजेशन शुरू हो गया, लोग अपने डेटा और इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में क्रिएट कर सकते थे, अपनी वेबसाइट बना सकते थे। फिर वेब 3 आया जिसमें इंडिविजुअल हैव अ पोटेंशियल टू मोनेटाइज देयर डेटा, क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन्स आर द फाउंडेशन ऑफ द डेटा बैंक। और इसमें मेन कॉन्सेप्ट जो आया वो है क्रिप्टो करेंसी और डेटा फाउंडेशन ऑफ डेटा बैंक का, जिसमें डेटा बैंक में आप अपनी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली असेस कर सकते हैं। ट्रेंड दैट आर एसेंशियल टू द वेब 3, और उसके लिए क्या क्या जरूरी है वेब 3 के लिए, कनेक्टिविटी जरूरी है, आइडेंटिटी जरूरी है, इंटेलिजेंस जरूरी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी सिग्निफिकेंट, बहुत जरूरी है। वर्चुअल रियलिटी को आप गेम्स के थ्रू दिखा सकते हैं कि रियल वर्ल्ड में कैसे लोग काम करते हैं। कनेक्टिविटी, वेब 3 इज द वर्ल्ड वाइड रेंज ऑफ कनेक्टिविटी ऑप्शंस, इट प्रूव फ्रॉम ब्रॉड प्रोवाइड फ्रॉम ब्रॉडबैंड टू मोबाइल फोन एंड आल्सो एक्सेस टू द मोबाइल इंटरनेट। तो आप इसमें मोबाइल इंटरनेट पर एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल फोन पर एक्सेस कर सकते हैं और ब्रॉडबैंड के थ्रू बिजनेस कर सकते हैं। द वेब सर्विस हेल्प यू टू क्रिएट अ बिजनेस मॉडल एट द मिनिमल टाइम, ऑल्सो इंक्लूड क्लाउड कंप्यूटिंग। और इसमें अपने बिजनेस को आप, अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी नहीं सीखते हैं तो बहुत पीछे रह जाइएगा, और न्यू टेक्निक से आप बिजनेस डेवलप कर सकते हैं।
Open protocols, the Web 3.0 offer open data format and software platform with an open data license as well. और नए नए टेक्निक में ओपन डेटा लाइसेंस भी वो प्रोवाइड करता है, जिससे थ्रू आप अपने काम को ज़्यादा अच्छे से कर पाइएगा। आइडेंटिटी, ओपन आइडेंटिटी इज अ फैसिलिटी ऑफर्ड बाय द वेब थ्री। यू कैन नाउ पोर्ट योर अकाउंट और सर्च फॉर हिस्ट्री विद अ न्यू हैसल फ्री ओपन आइडेंटिटी फैसिलिटी। आप अपने यू कैन port the your search history and hassle free identity facility रहेगी, जिससे कि आपकी identity उस पर problem नहीं करेगी, उसमें hassle free रहेगी। Intelligence, the web 3.0 is undoubtedly an upper hand over the previously existing web 2.0. the machines can now process language, help you with the reasoning, the semantic web in never miss out attribute। अब आप अपनी लैंग्वेज को प्रोसेस कर पाइएगा, रीजनिंग कर पाइएगा और सीमेंटिक वेब के एट्रीब्यूट्स को मिस नहीं कर, एट्रीब्यूट मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को आप मिस नहीं करिएगा। तो इंटेलिजेंस बेस्ड जब आपकी इंफॉर्मेशन होगी तो आप इजीली वर्क कर पाइएगा। हाउ आर AR एंड VR सिग्निफिकेंट टू वेब 3? अब वेब 3 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी की क्या महत्व है? वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन, द मेन ऑब्जेक्टिव इन द कनेक्शन द रियल एंड द आर्टिफिशियल ऑनलाइन वर्ल्ड। रियल को आर्टिफिशियल से कनेक्ट करते हैं, जैसे आप गेम्स खेलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शैल सर्व द पर्पस ऑफ इंटरप्रेटिंग ह्यूमन एक्शन एंड देयर बाय मॉडिफाइंग द रिस्पॉन्स टू इंश्योर ग्रेट वेब एक्सपीरियंस विद अ मोर प्राइवेसी। बहुत से ऐसे गेम्स बनते हैं जो रियलिटी बेस होते हैं और आपको उसमें साइंटिफिक भी होते हैं, जिसमें आप कौन सा केमिकल मिलाइएगा तो क्या रिएक्शन होगा और क्या आगे आप गेम्स में कर पाइएगा, ये सारे बहुत ही एडवांस गेम आ गए हैं। ई कॉमर्स का काम आप इजीली कर सकते हैं। सेक्शन सेल ऑल्सो एक्सट्रैक्ट लार्ज बेनिफिट फॉर द W3 एंड इट्स इमेंस रेंज ऑफ फैसिलिटी। ई कॉमर्स बहुत अधिक फैसिलिटी मिल जाने से आदमी ज़्यादा अच्छे से सेल परचेज का काम कर सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है। थ्रू वर्चुअल रियलिटी बिजनेस शैल बी ट्रांसफॉर्म टू ग्रेट एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर प्लानिंग इज पुट इनटू सेफ पेमेंट इज अनदर फैक्टर दैट इज नो लॉन्गर अ कंसर्न विद वेब 3। अब आप अपने पेमेंट को ज़्यादा सेफ ढंग से वेब 3 की फैसिलिटी से कर सकते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी और ये सब है। Gaming will also be development to the great extent offering an all new interactive experience with a virtual reality। आप जब गेम्स खेलते हैं तो लगता है जैसे वास्तव में आप कर रहे हैं। आप कार चलाना सीख लीजिए, आप बुलेट चला करके अपने एनिमीज को मारते हैं गेम्स में। तरह तरह के गेम्स आ गए हैं, रीजनिंग वाले भी रहते हैं उसमें, पजल सॉल्व करने वाले भी रहते हैं उसमें, बहुत से हिंड्रेंस होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। शॉपिंग सेल बी मेड कन्वीनियंट विद अ वेब 3, यू कैन ट्राई आउट क्लोथ्स सिटिंग एट होम। अपने सब कुछ काम आप घर से कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम आजकल बहुत चल रहा है, वो भी आपका वेब 3 का कॉन्सेप्ट हो गया। ग्राफिक एंड डिजाइनिंग, स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल्स आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ मेजर बूस्ट with a web 3 if they can put it into a proper use। और इसका ग्राफिक और डिजाइनिंग का अगर यूज स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स कर पाएंगे तो वो उसका ज़्यादा अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो इसमें बहुत सी और फैसिलिटी है और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, गुड एग्जाम्पल ऑफ वेब 3 इज ट्रस्टलेस ट्रांजेक्शन वुड बी सेंडिंग बिट कॉइन डायरेक्टली टू अनदर पर्सन नॉट वाया एन ऑनलाइन एक्सचेंज और वॉलेट स्टोर्ड ऑन द सेंट्रलाइज सर्वर। आपका वॉलेट उसमें क्रिएट हो जाता है जिसमें आप अपने कॉइन्स को रख सकते हैं और किसी को भी पेमेंट डायरेक्टली कर सकते हैं, किसी बैंक का इंटरवेंशन नहीं होता है। वॉल फॉर्म अल्फा एंड एप्पल सीरी आर टू एग्जाम्पल ऑफ वेब 3.0 एप्लीकेशन। सीरी यूज स्पीच रिकॉग्निशन टेक्निक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू सर्च एंड डिलीवर रिजल्ट। अब ये सीरी जो है वो आपके स्पीच को रिकॉग्नाइज करके उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर करती है और इंटेलिजेंस
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू और आपके रिजल्ट को डिलीवर करती है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इन वेब 3.0 फ्यूचर, वेब 3.0 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज द लेटर बज इन द मार्केट। कंसिडर द इंटरनेट ऑफ द फ्यूचर। वेब 3.0 एनेबल यूजर एंड डेवलपर टू यूज द डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इन सिमिलर टर्म, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन नेटवर्क फैसिलिटी वेब 3.0 एंड सर्च इंजन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस। तो डिसेंट्रलाइज फैसिलिटी है जो आपको बहुत अच्छे से काम करने की फैसिलिटी देती है। अब बंद करते हैं क्योंकि लाइट हमारी चली गई है। इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर। फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक। गो टू कम्युनिटी एंड आंसर ऑन पोल। प्लीज वॉच आस्क क्वेश्चन इन कमेंट इफ एनी क्वेरी यू हैव। थैंक यू।